अनुप्रिया, राजभर, संजय निषाद, बीजेपी प्रवक्ताओं ने बता दिया यूपी में खराब प्रदर्शन के कारण। यूपी में सपा से पिछड़ने के बाद बीजेपी पर जब अनुप्रिया, ओपी राजभर और संजय निषाद बनाने लगे दबाव, तब बीजेपी नेताओं ने जो दिल की बात बताई तो लगने लगा ऐसा बीजेपी अब अखिलेश के आइडिया को करने वाले हैं कॉपी। अखिलेश ने जो रास्ता इस लोकसभा चुनाव में अपनाया, अब बीजेपी इसे अपनाने के लिए तैयार। बीजेपी क्या अब अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद से कन्नी काटने वाली है? बीजेपी का क्या अब यूपी की क्षेत्रीय पार्टियों से मोह भंग हो गया? क्या बीजेपी को लगने लगा अब अलग अलग जातियों के नाम से बनी पार्टियों से दूर रहना ही ठीक है? क्या अब यूपी बीजेपी ने अपनी राजनीति को धारदार बनाने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से लोकसभा चुनाव में अपनाई गई रणनीति पर चलने का मन बना लिया है? क्या उसे इस विधानसभा उपचुनाव में अपनाने वाली है? इसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में इसे पूरी तरह से अपनाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से यूपी में दूसरे नंबर पर आने के बाद बीजेपी के नेता समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उससे यही लगता है बीजेपी के नेताओं के मन यूपी की अलग अलग जातियों से आने वाले क्षेत्रीय क्षत्रपों के बारे में क्या कहना है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बीजेपी अब अखिलेश की ओर से अपनाई गई ऐसी कौन सी रणनीति को कॉपी करेगी, उसके बारे में जानिए। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कुर्मी समाज से आने वाली पल्लवी पटेल, दलित समाज से आने वाले चंद्रशेखर आजाद, जाट समाज से आने वाले जयंत चौधरी, मौर्य समाज से आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, निषाद समाज से आने वाले संजय निषाद और राजभर समाज से आने वाले ओपी राजभर के उस दम्भ को तोड़ गया जिसके तहत वो मानने लगे थे वही इस समाज के अगुवा हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति को यादव समाज तक सिमटाने का प्रयास किया। तब अखिलेश ने इनके सामने गड़गड़ाने के बजाय अपनी पार्टी सपा में इन्हीं जातियों से आने वाले नेताओं को प्रमोट करना शुरू किया। उनकी राजनीति को रफ्तार देने के लिए खूब मेहनत की। परिणाम यह हुआ कि सपा से दलित, कुर्मी, राजभर, निषाद समाज से आने वाले नेता संसद पहुंचने में कामयाब हुए। अब बीजेपी के नेताओं को लग रहा है यूपी में अलग अलग जातियों का वोट पाने के लिए किसी और पार्टी के नेता पर डिपेंड रहने के बजाय अखिलेश की उसी रणनीति जिसमें अपनी पार्टी में जिन जातियों का जहां प्रभुत्व है उनके समाज से आने वाले नेताओं को प्रमोट किया जाए। बीजेपी की समीक्षा बैठक में इस बात के संकेत मिलने लगे। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद लगातार समीक्षा की जा रही है। हाल ही में हुई बैठक में बीजेपी प्रवक्ताओं ने राष्ट्रीय महासचिव बी एल संतोष के सामने कहा था एनडीए के सहयोगी पार्टियों की ओर से की गई कुछ टिप्पणियों का बचाव करने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपना दल एस के अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के संजय निषाद और सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की ओर से दिए गए बयान सरकार के खिलाफ माने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था जिसमें ओबीसी समुदाय के छात्रों को राज्य सरकार की नौकरियों के इंटरव्यू में चयन नहीं होने की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने सोनीलाल पटेल की जयंती पर 69,000 शिक्षकों की भर्ती के दौरान ओबीसी समुदाय के आवेदकों से सही व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए कहा गया था लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। संजय निषाद ने निषाद वोटरों का वोट न मिलने पर कहा कि राज्य में एससी श्रेणी में निषाद समुदाय की मांग लंबे समय से पेंडिंग है। 2019 और 2022 में वोट देने वाले निषाद समुदाय को लगा कि सरकार उनके प्रति गंभीर नहीं और वो बीजेपी से दूर हो गए। इसी तरह ओपी राजभर ने एक बैठक में कहा कि उनके पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर में एनडीए उम्मीदवारों को वोट दिया लेकिन मोदी योगी वोट में बीजेपी की सेंध लगी और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में हार हुई। बैठक में बीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा कि सहयोगी पार्टियों के ऐसे बयान उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे और जवाब देना मुश्किल हो रहा, इससे विपक्ष को एनडीए पर हमला करने का मौका मिल जाता है। हालांकि योगी सरकार और यूपी बीजेपी संगठन के खिलाफ बीजेपी के वो नेता भी हैं जो लोकसभा चुनाव हार गए। कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि भर्ती और पेपर लीक हार का प्रमुख कारण है। बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि सलेमपुर लोकसभा सीट पर उनकी हार पार्टी के कुछ नेताओं के कारण हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय यादव ने उनकी हार के लिए साजिश रची थी। बैठक में प्रवक्ता से भी पूछा गया क्या वो लोकसभा चुनाव के बाद न्यूज एंकरों और रिपोर्टरों के व्यवहार में बदलाव देख रहे हैं। इस पर कुछ प्रवक्ताओं ने कहा कि विपक्षी नेता पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं।